हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी नामक कहानी के बारे में, यानी कि सर्जरी की जीत, जिसके लेखक हैं जेम्स हैरियट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। यह कहानी एक अमीर महिला मिसेस पम्फ्रे से शुरू होती है। वह अपने कुत्ते, जिसका नाम ट्रिकी होता है, उसको टहलाने के लिए ले जा रही होती हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात एक पशु चिकित्सक यानी एक जानवरों के डॉक्टर से होती है। वह पशु चिकित्सक मिसेस पम्फ्रे को पहले से जानता होता है। वह मिसेस पम्फ्रे के कुत्ते ट्रिकी को देखता है। ट्रिकी काफ़ी फूला फूला एक सॉसेज की तरह दिख रहा होता है। यह देखकर डॉक्टर जो होता है वो मिसेस पम्फ्रे से कहता है कि ट्रिकी को अनहेल्दी चीज़ें ना दें। पर शायद मिसेस पम्फ्रे अपने कुत्ते ट्रिकी को ज़्यादा ही प्यार दुलार के चलते ऐसा करने में असमर्थ हो जाती हैं। अनहेल्दी खाने की वजह से ट्रिकी जल्द ही बीमार पड़ जाता है। अब जो डॉक्टर है उसको बुलाया जाता है। अब इसमें जो डॉक्टर है यानी कि मिस्टर हैरियट, ठीक है, तो वो किसी तरह कुत्ते को अस्पताल ले जाते हैं। मिसेस पम्फ्रे अपने कुत्ते को छोड़ने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं होती हैं, पर फिर भी वो अस्पताल ले जाते हैं। ये सब देखकर मिसेस पम्फ्रे बेहोश सी हो जाती हैं एक तरीके से। मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो काफ़ी परेशान होती हैं। वे अस्पताल पहुँच जाते हैं और सर्जरी के लिए बिस्तर भी लगा दिया जाता है। अब होता क्या है कि जो कुत्ता है वो पहले दो दिनों तक कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है, कोई भी प्रक्रिया नहीं करता है, ठीक। तो अब ये दो दिन बीत जाते हैं, तो इन दो दिनों में वह कुछ भी नहीं खाता है। दो दिनों के बाद वह यानी तीसरे दिन बाहर जाने के लिए थोड़ा सा ललायित होता है। एक दिन उसे बाहर निकाला जाता है, तब होता यह है कि वह दूसरे कुत्तों के साथ में भी खेलना शुरू कर देता है और दूसरे कुत्तों के लिए जो खाना रखा हुआ होता है, ठीक है, या जो कटोरे रखे हुए होते हैं उनको भी चाटने लगता है। अब वो पूरी तरीके से ठीक होने लगता है और जो उसकी हालत है पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई थी। अब होता ये है कि जो ट्रिकी होता है वो अपने मतलब खाने के लिए दूसरे कुत्तों से भी लड़ने लगता है। तो जल्दी ये बात मिसेस पम्फ्रे को पता चलती है, तो वो उसके लिए अंडे भेजना चाहती है, तो वो अंडे भेजती है, ठीक, ताकि उसको एनर्जी मिले, ट्रिकी को एनर्जी मिले। तो लेकिन बात ये थी कि ट्रिकी अब पूरी तरीके से ठीक था। तो मिस्टर हैरियट जो होते हैं और उनके कुछ साथी होते हैं उन अंडों को नाश्ते में खा जाया करते थे, ठीक है, इसमें ऐसा बताया गया है। तो मिसेस पम्फ्रे कई बार शराब की बोतलें भी भेजती थी ताकि जो ट्रिकी है उसका खून साफ हो सके, ठीक है, तो ऐसा इसमें बताया गया है। पर होता यही था कि जो मिस्टर हैरियट थे वो उसको पी जाया करते थे, जो बोतलें वगैरह भेजा करती थी मिसेस पम्फ्रे। तो कई बार मिसेस पम्फ्रे जो है ब्रांडी की बोतलें भी भेज देती थी। तो जल्दी वो भी दिन आ जाता है कि जब मिस्टर हैरियट जो होते हैं वो मिसेस पम्फ्रे को बुलाते हैं और मिसेस पम्फ्रे काफ़ी चिंतित होती है कि उनका कुत्ता ठीक हो गया हो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो साथ ही वो अपने कुत्ते को घर ले जाने के लिए भी काफ़ी एक्साइटेड थी। तो होता ये है कि कहानी आगे चलती है और अपनी मालकिन को देखकर जो ट्रिकी है वो काफ़ी खुश हो जाता है, ठीक, और जल्दी वह कूदकर कार में बैठ जाता है। तो यहाँ पर ये कहानी कंप्लीट हो जाती है और इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे बहुत ज़्यादा खाने पीने की वजह से, हद से ज़्यादा एक खाने पीने की वजह से जो उनका कुत्ता है, ठीक है, मिसेस पम्फ्रे का, तो वो बीमार हो गया था, सॉसेज की तरह दिखने लगा था। तो ये इसमें बताया गया। और कैसे फिर जो मिस्टर हैरियट वेटरनरी डॉक्टर थे तो उन्होंने कैसे उसको ठीक किया, ये इसमें बताया गया है। तो आई होप स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा वीडियोस को, हमारे जो चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं आप लोगों के लिए होते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।